स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले पंजाब के मोगा जिले के प्रशासनिक भवन में कुछ असामाजिक तत्वों ने खालिस्तान का झंडा फहरा दिया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ जानकारी देने वालों को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। मोगा के मल्टी स्टोरी प्रशासनिक भवन में दो अज्ञात युवक आए और केसरी रंग का झंडा फहराया जिस पर खंडा बना हुआ था। निकलने से पहले दोनों ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान भी किया। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी में दोनों आरोपी युवक कैद हो गए हैं। आरोपियों ने चाकू से तिरंगे झंडे की रस्सी काटी और फिर खालिस्तानी झंडा फहरा दिया। संतरी ने हल्ला मचाया जिसके बाद वो भाग निकले। इसी प्रशासनिक भवन के पहले फ्लोर पर डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस भी है। 3 दिन पहले खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 15 अगस्त को लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को $1,25,000 की रकम देने का ऐलान किया था। मोगा के एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पुलिस को दोनों असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने युवाओं से अपील की है कि वो आतंकवादी गुरपंतवंत सिंह पन्नू और उसके सिख फॉर जस्टिस जैसे भारत विरोधी दुष्प्रचार से प्रभावित ना हो।